नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श बाजार में स्थित 3 सराफा दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने बुधवार की रात खंगाला। इस दौरान बयपुर देवगली गांव निवासी मनोज वर्मा की दुकान से अलमारी में रखा करीब 2.5 किलो चांदी और 35 ग्राम सोना लेकर चंपत हो गए, जबकि अन्य 2 दुकानों में चोरी में सफल नहीं हुए। सुबह लोगों ने खुला शटर देख इसकी जानकारी दुकानदारों को दी। कुछ ही देर बाद दुकानदार मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर गोरा बाजार चौकी प्रभारी अनुराग गोस्वामी के साथ ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल किया। चोरी की इस वारदात को लेकर सराफा कारोबारियों में रोष व्याप्त है। उनका कहना था कि शायद रात में पुलिस गश्त करने के बजाय आराम कर रही है, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं। मरदा थाना के कंसहरी गांव निवासी अमृत उर्फ करिया उम्र 35 रोज की तरह बुधवार की रात भी पत्नी संजू और इकलौते 8 वर्षीय बेटे अंश गौड़ के साथ अपने टिन शेड में सो गया। तेज बारिश के दौरान रात करीब 12 बजे बगल में स्थित कच्चा मकान टिन शेड पर गिर पड़ा। इसमें तीनों दब गए और चीख पुकार करने लगे। आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और आनन फानन में मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। माता पिता तो हल्के रूप से घायल हुए, लेकिन अंश गंभीर रूप से। अंश को उपचार के लिए लोग मऊ में स्थित चिकित्सालय में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष कमलेश पाल, तहसीलदार विराग पांडे, लेखपाल जितेंद्र यादव मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में SDM कासिमाबाद रमेश मौर्या ने बताया कि ये दुखद घटना है। प्राकृतिक आपदा के तहत सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जमनिया कोतवाली पुलिस को बीती शाम बड़ी सफलता मिली। उसने स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब बरामद करने के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाइक भी बरामद की है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम पुलिस कर्मियों के साथ देवड़ी बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान करीब 5:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि तस्कर स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में शराब लेकर बिहार जाने वाले हैं। एक तस्कर बाइक सवार है। कुछ देर बाद एक स्कॉर्पियो आती हुई दिखाई दी। पास आने पर जैसे ही रुकने का इशारा किया गया, स्कॉर्पियो चालक और बाइक सवार भागना चाहे, लेकिन पुलिस ने घेरेबंदी कर उन्हें रोक लिया। तलाशी लेने पर स्कॉर्पियो से 43 पेटी बॉम्बे विस्की शराब बरामद हुई। पेटियों में कुल 2064 शीशी शराब थी। गिरफ्त में आए तस्कर बहरियाबाद थाना के धारापुर खुर्द रायपुर निवासी सचिन यादव और करंडा थाना के कटरिया धर्मपुर निवासी रवि यादव हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि शराब को बिहार में बिक्री के लिए ले जा रहे थे। संबंधित धाराओं में अभियुक्तों का चालान कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संतोष कुमार, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल रत्नेश कुमार, कांस्टेबल गोविंद निर्मल, कांस्टेबल शिवा कुमार, कांस्टेबल कुलदीप सरोज, कांस्टेबल सुशील कुमार और आनंद वर्मा शामिल थे। सादात क्षेत्र के मौधिया बाजार में गुरुवार की दोपहर झमाझम बारिश के दौरान उस समय लोगों का ये शोर सुनाई देने लगा कि रुक जाइए, आगे मत आइए, खतरा है। HT तार 2 खंबा ट्रांसफार्मर सहित गिर गया। हुआ यूं कि दोपहर में तेज बारिश के बीच मौधिया बाजार में एक मोबाइल टावर के सामने करंट प्रवाहित हाईटेंशन तार खंबे सहित जमीन दोज हो गया। तार खंबा गिरते ही आसपास के लोग तेज आवाज में कहने लगे कि रुक जाइए, आगे मत आइए। करंट प्रवाहित बिजली का तार टूट कर गिरा है। फिर क्या था, आवागमन करने वाले जिन लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंची वो जहां तहां थम गए। दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई। वहां मौजूद आशीष राय और पंकज राय ने बिजली विभाग को फोन कर बिजली की सप्लाई बंद कराई। उन लोगों ने इसकी सूचना मोबाइल से सादात के जेई मनोज कुमार पटेल और बाबूनंदन गिरी को देना चाहा, लेकिन रिंग जाने के बाद भी इनका फोन रिसीव नहीं हुआ। करीब 15 मिनट बाद बिजली आपूर्ति बंद होने पर ऋषिकेश, कमलेश, बड़े राय, सोनू, निर्मल आदि ने तार और खंभों को किनारे किया। इसके बाद आवागमन सुचारू हुआ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में गुरुवार को भी पूरे जनपद में उपखंड स्तर पर 9 स्थानों पर शाम 4 से 5 बजे तक विरोध सभा आयोजित की गई। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया है। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर आयोजित विरोध सभा में जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि निजीकरण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।
इस मौके पर जिला सह संयोजक इंजीनियर शिवम राय, सह संयोजक इंजीनियर संतोष मौर्या, आदिशासी अभियंता मनीष कुमार, महेंद्र मिश्रा, आदित्य पांडे, आशीष चौहान, सहायक अभियंता विजय यादव, शत्रुघ्न यादव आदि मौजूद थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।